नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके पास आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर आया हूँ। जी हाँ, आपके क्वेश्चन के आंसर्स। अक्सर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस लिखते हैं जिसका आप आंसर जानना चाहते हैं, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे हम आपस में एक दूसरे से वन टू वन कनेक्ट होते हैं। तो आपके क्वेश्चंस मैं सारे पढ़ता हूँ, सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और फिर उसे समराइज करके फिर मैं उनके आंसर्स देता हूँ। तो आज का क्वेश्चन आंसर सेशन उसी बेस्ड पे है, तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन के आंसर्स में देता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है मिस्टर सिद्धार्थ जैन का। मुझे बड़ी आसानी होती है जब आप उस पर नाम प्रॉपर लिख के भेजते हैं, तो सिद्धार्थ जी ने एग्जैक्ट नाम लिख के भेजा है। सिद्धार्थ जैन जी लिखते हैं, थैंक्स प्रदीप जी फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। I always watch your videos and recommend my friends to follow your latest property updates. How is Hero Home Sector 104 compared to other name players on Dwarka Expressway? Also, from future appreciation perspective, can I consider it buying it now in resale around ₹10,500 per square feet? देखिए सिद्धार्थ, प्रॉपर्टी अच्छी है, द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर सेक्टर है, पहला एग्जिट सेक्टर 104 के पास में है और वहाँ पे ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी फिनिशिंग स्टेज पे आ गया, स्ट्रक्चर पूरा रेडी है। तो ओवरऑल ये प्रॉपर्टी मेरे को ₹10,500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रिजनेबल दिख रही है। नियर कम्प्लीशन प्रोजेक्ट अगर होता है और ये रेट होते हैं तो लगता है हाँ ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, आसपास के और प्रोजेक्ट से आप कंपेयर करें तो मेरे को बेस्ट बाइंग लग रही है 10,500 के रेट पे प्रॉपर्टी को, अगर आप रीसेल में लेते हैं तो आप इस प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास है श्वेता का। श्वेता जी जानना चाहती हैं, श्वेता ने क्या लिखा है पहले वो बता दूं। सर थैंक यू फॉर फेयर एनालिसिस वीडियोस, कुड यू प्लीज टेल एनी अपडेट ऑन रोड रिपेयर इन सेक्टर 106 इन फ्रंट ऑफ गोदरेज मेरिडियन। इज दिस रोड डायरेक्टली हैज एग्जिट टू द्वारका एक्सप्रेसवे। देखिए श्वेता, अभी 4 रोड्स को रिवैम्प करने का काम ऑलरेडी अथॉरिटी प्रोसेस में लेके आ चुकी है, अपनी मीटिंग्स में उन्होंने इस एजेंडे को तैयार कर लिया है। इसका टेंडरिंग प्रोसेस होना था जो कि अक्टूबर एंड में फाइनल डेट थी, तो टेंडरिंग प्रोसेस अब हो गया होगा, लेकिन इसको रिवैम्प करने में करीब 8 से 9 महीने का समय लगेगा। क्विक बहुत जल्दी नहीं होगा, तो थोड़ा सा आपको समय अभी देना पड़ेगा। अथॉरिटीज़ की प्रायोरिटी लिस्ट में था जो 4 नए रोड, उनको ऑलरेडी रिवैम्प करने का काम शुरू हो गया है। इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ था। श्वेता जी, आप सारे वीडियोस नहीं देखते हैं, अगर आपने वीडियो सारे देखे होते तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होती। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, कौन कौन सी रोड रिवैम्प हो रही है, आप उसे जाके एक बार पूरा कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में देख सकते हैं। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ टेंडरिंग प्रोसेस करीब करीब कंप्लीट हो रहा है, तो अभी 8 से 9 महीने का समय आप मान के चलिए आपकी प्रॉपर्टी में प्रॉपर काम होने में, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अगला क्वेश्चन मेरे पास मिस्टर संजय अरोड़ा का है। संजय जी मुझसे जानना चाहते हैं, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ सिद्धार्था एस्टीला सेक्टर 103 द्वारका एक्सप्रेसवे। It came out from NCLT but still no significant progress on project. देखिए संजय जी, प्रोजेक्ट सेक्टर 103 के अंदर लोकेटेड है, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, पुराने लाइसेंस के हिसाब से ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी सैंक्शनड है और प्रोजेक्ट अब NCLT से बाहर आ चुका है। जैसे आपने भी अपने प्रश्न में बताया, बायर्स को कॉन्फिडेंस आए, इसके लिए 35 करोड़ रुपीज़ जमा भी किए हैं और इससे जो नेसेसरी अप्रूवल्स, चूँकि प्रोजेक्ट रुक जाता है तो वहाँ अप्रूवल्स भी एक्सपायर हो जाती है, लाइसेंस एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी बेस्ट पॉसिबल वे आउट है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 2 पार्ट में है, एक पार्ट सिद्धार्था के पास है, एक पार्ट अंसल्स के पास है। तो मेरी रीसेंट डेवलपमेंट जो है, जो मेरी दोनों से बातचीत हुई, तो मेरे को यही समझ में आया कि उस पे जो बेस्ट पॉसिबल वे आउट है अंसल्स और सिद्धार्था दोनों की तरफ से किए जा रहे हैं। 35 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट एक हैंडसम अमाउंट है प्रोजेक्ट कम्प्लीशन के लिए या नेसेसरी अप्रूवल्स जो रुकी हुई हैं उसको रिस्टोर करने के लिए। तो अब वहाँ प्रोसेस शुरू हुआ है, डेवलपर की तरफ से क्लेम है कि 1 साल के अंदर पोजीशन मिलेगा, लेकिन मेरे को
एक से 1.5 साल का समय मिनिमम वहाँ दिख रहा है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी का पोजीशन आपको मिल जाता है तो मुझे लगता है कि जिस रेट पे आपने प्रॉपर्टी बाय की थी उस रेट के हिसाब से, और अब जो द्वारका एक्सप्रेसवे के नए रेट्स को मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत रिजनेबल है। लेकिन रिजनेबल मेरा कहना ज़रूर आसान है, मैं ये समझ सकता हूँ कि आपने इंतज़ार किया है और प्रोजेक्ट रुकने के बाद का जो पेन है वो आपने फील किया है, तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको और ना कहते हुए सिर्फ ये कहूँगा, थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, प्रॉपर्टी अच्छी है, पोजीशन के बाद आपको इस पर और अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास मिस्टर सत्यपाल का। सत्यपाल जी हमसे जानना चाहते हैं, सर आई एम एलॉटी परीना हनु सेक्टर 68 गुड़गांव, हाउ विल बी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, प्लीज ऑल्सो टेल अबाउट द टाइम व्हेन दे विल गेट ईसी अप्रूवल, शुड आई स्टे इन इट और नॉट। सत्यपाल जी देखिए, सेक्टर 68 ओवरऑल लोकेशन अच्छी है और आपका चूंकि यहाँ अलॉटमेंट में आया है और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है तो कोई खास रेट वाइज मुझे दिक्कत नहीं दिख रही। ईसी का अप्रूवल जैसा आपने बोला अभी तक नहीं आया है और अलॉटमेंट प्रोसेस अथॉरिटी द्वारा एग्जीक्यूट हो चुका है, क्योंकि अभी 2-3 महीने पहले अगस्त के आसपास में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और यहाँ रेट जो है गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किए हुए थे, उन्हीं रेट्स के ऊपर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। तो आपकी अलॉटमेंट ठीक रेट के ऊपर है और ईसी का अप्रूवल नहीं आया तो थोड़ा सा कॉरेस्पॉन्डेंस कीजिए डिपार्टमेंट के साथ, उसका करंट स्टेटस चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो थोड़े दिनों में आ सकता है तो आपको यहाँ थोड़ा सा वेट करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जब तक प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो जाता तब तक आप उसी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को मॉनिटर नहीं कर सकते। तो यहाँ आपसे मेरा कहना है कि प्रॉपर्टी को रिटेन कीजिए, क्योंकि पोजिशन से पहले आप इस प्रॉपर्टी को बेच भी नहीं सकते हैं और पोजीशन के 1 साल के बाद ही ट्रांसफर ओपन होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को आप रिटेन कीजिए, ओवरऑल एरिया वाइज ये प्रॉपर्टी अच्छी है, इसे आप रिटेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास आया है कमेंट सेक्शन में, वो ये है, सर आई हैव यूनिट इन नियो स्क्वायर सेक्टर 109, इज इट गुड डिसीजन और नॉट, प्लीज रिप्लाई। नीरज जी मुझसे ही जानना चाहते हैं। देखिए नीरज, प्रोजेक्ट जरूर पीछे कुछ दिनों के लिए होल्ड पे रहा, लेकिन अब जैसे जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी खुल रही है, प्रोजेक्ट फाइनल स्टेज पे ऑलरेडी आ चुका है और कनेक्टिविटी खुलने के साथ ही डेवलपर प्लान कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को पोजीशन हैंडओवर किया जाए, क्योंकि ब्रांड्स आ तो जाते हैं लेकिन जब तक प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं होती तब तक उनका चला पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो कनेक्टिविटी बहुत जल्दी खुलने वाली है, एक्सपेक्टेड है इलेक्शन से पहले द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिव बहुत हद तक खुल जाएगी और इन प्रोजेक्ट्स का पोजीशन भी आपको मिलेगा। आपने इन्वेस्टमेंट ज़रूर किया है, थोड़ा टाइम आपको होल्ड पे करना पड़ा है और जब आपकी बाइंग थी और बीच में जब प्रोजेक्ट होल्ड हो जाता है तो मैं समझ सकता हूँ वो पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने वो पेन फेस किया है, लेकिन अब चूंकि प्रोजेक्ट रेडी है आप इस प्रॉपर्टी को थोड़ा होल्ड कीजिए। आपका इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ठीक है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे पे पड़ने वाला ये गिने चुने मॉल्स में से आता है, ज़्यादातर हाई स्ट्रीट मार्केट बनी है और ये एयर कंडीशन मॉल है, इसके अंदर मल्टीप्लेक्स भी है, तो ऐसे ऑप्शंस द्वारका एक्सप्रेसवे पे कम है। तो इसके रेडी होने पर यहाँ इसके चलने के चांसेस भी हैं, साथ में कॉन्शेंट का कॉन्शेंट 1 मॉल है वो ऑलरेडी रन में है, ऑलरेडी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, लेकिन मल्टीप्लेक्स की कमी है तो यहाँ मल्टीप्लेक्स का बेनिफिट इस प्रोजेक्ट को मिलेगा। आपका प्रॉपर्टी बाइंग डिसीजन बिल्कुल सही है, आप थोड़ा सा और वेट कीजिए, आपको अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। अगला क्वेश्चन मेरे पास मिस्टर चंद्र चेत्री का है। कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछा है वो है, सिग्नेचर सोलेरा सेक्टर 107 में प्रॉपर्टी लेना कैसा रहेगा। देखिए मिस्टर चंदर, सेक्टर द्वारका एक्सप्रेसवे पे है लेकिन थोड़ा सा हटकर है ये, यहाँ पास में ड्रेन है, ड्रेन की समस्या थोड़ी सी यहाँ रहती है, वाटर टेबल यहाँ का हाई है और कई बार ड्रेन शाम के टाइम पे स्मेल भी देती है, तो यहाँ थोड़ा सा अनप्लीजेंट एनवायरनमेंट बन जाता है। रेट वाइज ठीक है, यहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग भी है, 1-2 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी हैं जहाँ लोग रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग रह नहीं रहे हैं। तो प्रॉपर्टी लेना तो ठीक है, लेकिन एक बार आप स्मेल को ऑब्जर्व कर लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है तो आप इन प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। वैसे द्वारका के अंदर भी ड्रेन के आसपास बहुत सारी प्रॉपर्टी के पोजीशन लोगों ने लिए हैं, लोग रह रहे हैं और प्रॉपर्टी अप्रिशिएट भी हुई है, लेकिन ओवर द टाइम आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। शुरू में लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, वैसे अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स में यह अप्रिसिएशन भी
देखने को आया है। तो प्रॉपर्टी को एक बार स्मेल एनालिसिस कर लीजिए, वाटर टेबल हाई है, जो लेक की दो ड्रेन नहीं बनी थी उस पर अथॉरिटी वर्क ऑलरेडी कर रही है, बहुत जल्दी अथॉरिटी उसको बना देगी, तो जिससे ये समस्या ओवर द टाइम ठीक हो जाएगी। तो शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा अथॉरिटी से एक्सपेक्ट मत कीजिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन है तो आप इस एरिया में प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास मिस्टर अशोक कुमार का है। थैंक्स फॉर गुड सोशल वर्क। वन क्वेश्चन, इन टीओडी पॉलिसी बिल्डर गेट एक्स्ट्रा एफआईआर इफ एनी इंडिविजुअल रेजिडेंशियल प्लॉट ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे विद इन 500/800 meters, डज इंडिविजुअल ऑनर ऑल्सो गेट एडिशनल एफआईआर आफ्टर पेइंग ड्यूज ऑन रेजिडेंशियल प्लॉट एंड नर्सिंग होम प्लॉट। देखिए अशोक जी, जब कोई ग्रुप हाउसिंग या टाउनशिप सेंक्शन होती है तो उस टाइम पर जिस एफएआर को सैंक्शन कराया जाता है, चाहे वो टीओडी के अंदर है या टीडीआर के अंदर है, टीओडी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी है और टीडीआर ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स है, तो एफएआर दोनों से मिलता है। लेकिन जब आप सैंक्शन करा रहे हैं तो उस पर आपने क्या लिया है, टीडीआर है या टीओडी, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो यहाँ जब आप फ्रेश लाइसेंस लेते हैं तो उस टाइम गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। आपकी टाउनशिप अगर उसके बाद आई है और किस हिसाब से वहाँ एफएआर सैंक्शन कराया गया है उस पर आपके इंडिविजुअल प्लॉट के ऊपर क्या एफएआर मिलेगा ये डिपेंड करता है। जनरली लाइसेंस लेते टाइम अगर आपने एडिशनल एफएआर मतलब टीओडी या टीडीआर लोड किया हुआ है तो उसका बेनिफिट आप इंजॉय कर सकते हैं। तो और अगर आपका यहाँ बड़ा लैंड पार्सल है और फिर उस पर आप एक फ्रेश अप्रूवल ले रहे हैं तो आपको इसका ज़रूर बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर लाइसेंस आया हुआ है और इंडिविजुअल प्लॉट है तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो बायलॉज है एज पर हरियाणा बिल्डिंग कोड, उसी हिसाब से आपको परमिसेबल हाइट और परमिसेबल एफएआर मिलेगा, उसी के हिसाब से आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन और है मिस्टर चंद्र छेत्री जी का मेरे पास, उन्होंने पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी तीन क्वेश्चन पूछे उन्होंने। सर मैं अफोर्डेबल हाउसिंग में घर देख रहा हूँ गुड़गांव में, मैं थर्ड ऑनर होऊंगा, प्लीज़ आंसर माई फॉलोइंग डाउट्स, क्या ट्रांसफ़र फ़ी देना कंपलसरी है? देखिए चंद्र जी, ये आपको मैं क्लियर कर दूं, अगर आप थर्ड ऑनर है इसका मतलब पोजीशन का एक साल बीत चुका है। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी कहती है अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको पोजीशन के एक साल के बाद ही ट्रांसफ़र करना बायलॉज के हिसाब से अलाउ है, और पोजीशन का एक साल हो चुका है, आप थर्ड ऑनर बनने जा रहे हैं तो यहाँ किसी भी टाइप के ट्रांसफ़र चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होंगे। यहाँ अथॉरिटी को आपको जाकर सेल डीड करानी पड़ेगी, मतलब सेल डीड कराना मैंडेटरी है। और अगला क्वेश्चन है आपका कि क्या ट्रांसफ़र फ़ी सेलर देगा या बायर देगा? यहाँ ट्रांसफ़र फ़ीस है ही नहीं, यही मैं चंद्र जी आपको कहना चाह रहा हूँ कि ट्रांसफ़र फ़ीस यहाँ नहीं है, यहाँ स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको अथॉरिटी को पे करने हैं, जो कि 5-7% का ट्रेंड है, और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करके आप अपने नाम टाइटल ट्रांसफ़र करा सकते हैं। यहाँ किसी भी टाइप की ट्रांसफ़र फ़ी डेवलपर को आपको देने की ज़रूरत नहीं है, अथॉरिटी से डायरेक्ट आप टाइटल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपने जानना चाहा वो ये है कि ट्रांसफ़र फ़ी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पे कोई ट्रांसफ़र फ़ी एप्लीकेबल ही नहीं होनी चाहिए, तो ट्रांसफ़र फ़ी की कैलकुलेशन की आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप सीधा प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट टू सेल कीजिए और फिर टाइटल को ट्रांसफ़र कराने के लिए स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करके अथॉरिटी में टाइटल अपने नाम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास मिस्टर चेतन चौहान का है। डियर मिश्रा जी, थैंक यू फॉर कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे इन डिटेल। आई हैड अ फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू अपर द्वारका एक्सप्रेसवे। इज देयर अ प्रपोजल टू कनेक्ट अपर द्वारका एक्सप्रेसवे विद दिल्ली इन अ स्ट्रेट मैनर? करंटली वी हैव टू नेविगेट वाया राघोपुर रोड विच हैज़ लॉट ऑफ टर्न्स एंड लॉट ऑफ पाथहोल्स। देखिए मिस्टर चेतन, बिल्कुल सही है कि जिस रोड से आप होके जाते हैं वहाँ रोड आपको ढूंढनी पड़ती है, गड्ढे नहीं, मतलब आपको गड्ढों में ही तैरते हुए गुजरना पड़ता है, और बारिश आ जाए तो माशाल्लाह पानी के अंदर से ही आपको तैर के गाड़ी को निकालना पड़ता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ऑलरेडी इस बेल्ट को मतलब राघोपुर का जो एरिया है जो कि दिल्ली का पार्ट है, वहाँ चीफ सेक्रेटरी लेवल पे हरियाणा और दिल्ली के ऑलरेडी बात चल रही है, लेकिन अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं आया। मास्टर प्लान के अंदर उसे एक बार लेने की बात भी आई थी कि उसको कनेक्टिविटी वाइज, चूँकि
ये हरियाणा के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी जाम लग जाता है, रोड रिपेयर नहीं हो पाती तो काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट दोनों अलग अलग है। दिल्ली में आपकी गवर्नमेंट है और हरियाणा के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है। कई बार आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाने के कारण भी ये सारी समस्याएं आती है, और मास्टर प्लान में इसे लेना था और इसको लिया भी नहीं गया। अभी तक कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं आया है। ये दिल्ली तक ऑलरेडी कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ रोड रिपेयर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और रोड रिपेयर होता मुझे अभी रिसेंटली तो नहीं दिख रहा। इसके लिए अगर आप राइट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं एग्जैक्ट, तो आपको रेगुलर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आरटीआई लगानी पड़ेगी। वैसे ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, ये जो रोड है, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास आता है, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो ये रोड है, तो इरिगेशन के लिए आप इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट में आरटीआई लगा सकते हैं। आप दिल्ली गवर्नमेंट के पास भी लगा सकते हैं, डीडी में भी आरटीआई लगा सकते हैं। जो 3-4 डिपार्टमेंट इससे रिलेटेड है वहाँ जाके आप आरटीआई लगा सकते हैं। और समीर ऐप में भी आप यहाँ पॉल्यूशन को लेकर, क्योंकि इसमें धूल काफ़ी उड़ती है तो पॉल्यूशन भी काफ़ी क्रिएट होता है, तो समीर ऐप में जाके आप पॉल्यूशन रिलेटेड कंप्लेंट भी दे सकते हैं। ये 2-4 चीज़ें हैं आपको करनी है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको तब वहाँ से मिल पाएगी। फिलहाल ये रोड बनती हुई मुझे बहुत जल्दी में नहीं दिख रही है। अगला क्वेश्चन मेरे पास प्रिया जी का है। प्रिया जी हमसे जानना चाहती हैं आईएसबीटी किस सेक्टर में आ रहा है। प्रिया जी, आपने मेरे सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, अगर आपने देखे होते तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होता, लेकिन कोई बात नहीं, आपने नहीं देखा तो अब ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ। आईएसबीटी कहाँ आ रहा है, कहाँ कहाँ आ रहा है? द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर 2 आईएसबीटी आ रहे हैं, दोनों की कंप्लीट डिटेल के साथ में मैंने वीडियो बनाया है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आलोक कुमार जी का। आलोक जी जानना चाहते हैं व्हाट इज द स्टेटस ऑफ G+4 फ्लोर बिल्डिंग प्लान अप्रूवल। देखिए आलोक जी, G+4 अथॉरिटीज लाना चाहती है या नहीं चाहती, क्लैरिटी नहीं दे रही है। ऑलरेडी इसके लिए कमेटी बनाई गई, कमेटी ने अपने सजेशंस भी दे दिए, करीब 100 के आसपास सजेशंस दिए हैं, हर एस्पेक्ट में सजेशन दिया हुआ है। फाइल अब सीएम साहब के पास है, सीएम ऑफिस से कब उस पर क्या फाइनल अप्रूवल आती है उसका सभी को इंतज़ार है। फिलहाल सारी चीज़ें रोक दी गई हैं, G+4 के मैप सैंक्शन नहीं हो रहे हैं। सीएम साहब कब उस पर क्या अप्रूवल देते हैं हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे इसमें कुछ भी अपडेट आएगा हम डेफिनेटली आपको इंटीमेट करेंगे, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे बायर्स, हमारे व्यूअर्स इस क्वेश्चन को हमसे अक्सर पूछते रहते हैं, और हम भी चाहते हैं कि इमीडिएट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आते ही आपको दिया जाए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, या आप लोग जो देख रहे हैं आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस मुद्दे पे मैं जैसे ही करंट डिटेल आई मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, जो जो लोग सब्सक्राइब्ड हैं उन तक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहुँच जाएगी। तो मेरे व्यूअर्स अपडेटेड रहें, मेरी ये कोशिश रहती है, और ऐसे बड़े इश्यूज़ को मैं डेफिनेटली, सिर्फ ऐसे इश्यूज़ को नहीं और रियल एस्टेट से बड़े इश्यूज़ को भी मैं डेफिनेटली कवर करके अपने व्यूअर्स को मैं अपडेटेड रखता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरे पास है मिस्टर विकास खत्री का। हेलो सर, नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट वाइल्ड लाइफ NOC इन अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स। बायर हैज़ रिसीव्ड अ मेल फ्रॉम बिल्डर अबाउट द सेम। What should buyers do now? देखिए विकास जी, कौन से बिल्डर के कौन से प्रोजेक्ट में आया है ये आपने इसमें नहीं लिखा। जब तक आप वो नहीं लिखेंगे तब तक मैं आपको आपके क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दे पाऊंगा। वैसे आपकी बात से जो मैं समझ पाया हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। सुल्तानपुर लेक के आसपास के कुछ एरियाज, यहाँ इस वाइल्ड लाइफ NOC वहाँ पे मैंडेटरी है, क्योंकि सुल्तानपुर लेक से कितनी दूरी है उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन कितना बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते, ये डिपेंड करती है चीज़ें। यहाँ अगर किसी प्रोजेक्ट में इसकी ऑब्जेक्शन आई है तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिस हिसाब से अगर ऐसा कुछ है तो उसे स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करेगी। तो इसमें अप्रूवल 2 जगह से चाहिए होती है, एक हरियाणा स्टेट में अगर प्रॉपर्टी है तो हरियाणा से, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपका रुका है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से यहाँ हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से अब वो चीज़ें क्लियर होती दिख रही हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी स्टेट का मैटर है तो उस ऑर्डर के हिसाब से भी हरियाणा गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसे क्लियर कर सकती है। तो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस हो गई है, तो अब फाइल सेंटर के पास चली गई है, वहाँ से इसकी जब कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं वो भी आपसे शेयर करूँगा। अगर मुझसे पहले आपके पास पहुँच जाती है तो आप भी मुझसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं उस डॉक्यूमेंट को स्टडी करके बाकी भी ऐसे मेरे व्यूअर्स जो इस टाइप के
प्रॉपर्टी में कहीं हद तक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि डेवलपर प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता है। प्रोजेक्ट लॉन्च डेवलपर तब करता है जब वो मास्टर प्लान में अथॉरिटी से अप्रूवल लेके करता है। तो यहाँ पर भी गुरुग्राम में भी ये मास्टर प्लान का पार्ट है, मुझे ऐसी कोई चिंता की बात नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ हरियाणा का मास्टर प्लान, हरियाणा के अंदर गुरुग्राम के मास्टर प्लान के अंदर आपकी प्रॉपर्टी है, और मास्टर प्लान के अंदर डेवलपर ने लाइसेंस अथॉरिटी से लेकर, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है ये, तो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट की बुकिंग भी तब ओपन की है जिसमें आपने प्रॉपर्टी बाय की है। तो बीच में प्रोजेक्ट रुकना कोई खास बड़ा ऐसा औचित्य मुझे नहीं दिखता है। थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि जब ऐसी ऑब्जेक्शन आती है तो डेवलपर भी काम नहीं कर सकता है, और जब तक क्लियरेंस उसे ना मिल जाए तब तक थोड़ा सा और पेशेंस आपको रखना पड़ सकता है। लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है यहाँ ऐसी कोई ऑब्जेक्शन कंटिन्यू फर्दर फ्यूचर में नहीं रहेगी, क्योंकि ये एरिया मास्टर प्लान का पार्ट है, वहाँ विद अप्रूवल डेवलपर बना रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपकी प्रॉपर्टी में जो हर्डल्स आए हैं वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। तो ये थे आपके क्वेश्चंस के आंसर, अगर आप इनसे संतुष्ट हैं, और जिन जिन के क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हीं के मैंने आंसर दिए, और अपनी राय मुझे इसमें आप दीजिएगा। और भी अगर कोई क्वेश्चन आप जानना चाहते हैं मुझसे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस लिख सकते हैं, और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और वो प्रॉपर्टी बाइंग में सही डिसीजन ले पाए। नमस्कार एंड जय हिंद।